नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का आईपीएल अड्डा में, जहां आपको मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग से जुड़ी हर ताजा अपडेट। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लोग कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो मुश्किल हालातों में भी अपना धैर्य नहीं खोते और शांति से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन सोमवार को CSK और LSG के बीच हुए मुकाबले के बाद धोनी अपने मिजाज के ठीक उलट दिखाई दिए। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 12 रनों से हराकर अपना खाता खोल लिया। चेन्नई के चेपॉक मैदान पर दोनों टीमों के बीच रोमांचक जंग देखने को मिली। दोनों ही टीमों ने 200 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन आखिर में बाजी होम टीम CSK ने ही मारी। चेन्नई को इस मैच में जीत तो मिली, लेकिन उनके कप्तान MS धोनी इससे नाखुश नजर आए। धोनी इस कदर मैच के बाद भड़क गए कि उन्होंने टीम को नए कप्तान के नेतृत्व में खेलने की धमकी तक दे डाली। आमतौर पर उन्हें कैप्टन कूल कहते हैं, पर इस तरह के बयान वो तब देते हैं जब सही में मामला बहुत गंभीर होता है। दरअसल इस मैच से पहले खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए थे। इसमें बल्लेबाजों ने अपना अहम योगदान दिया था, लेकिन इसके बाद गेंदबाजी में पेस बैटरी पूरी तरह से दिशा से भटकी हुई नजर आई। दीपक चाहर ना तो गति और ना ही लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर पा रहे थे। वहीं तुषार देशपांडे ने एक ही ओवर में लगातार वाइड और नो बॉल की झड़ी लगा दी और 18 रन देकर अपने स्पेल की शुरुआत की थी। बेन स्टोक्स और हंगर गेकर का भी कुछ यही हाल था। ऐसे में कैप्टन MS धोनी फील्ड पर तो शांत और बेबस नजर आ रहे थे, लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने मोइन अली को गेंदबाजी का जिम्मा दिया और उन्होंने वो जिम्मा ऐसा संभाला कि CSK को एक के बाद एक 4 सफलताएं दिलाई। मिचेल सैंटनर ने भी उनका बखूबी साथ निभाया, जिससे लखनऊ की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 205 रन ही बना पाई और 12 रनों से मुकाबला हार गई। तेज गेंदबाजों के लचर प्रदर्शन और नो बॉल और वाइड लगातार फेंक कर एक्स्ट्रा रन देने की वजह से MS धोनी अपने गेंदबाजों से खुश नहीं थे। टीम की जीत के बावजूद उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। उन्होंने मैच के बाद सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें तेज गेंदबाजी में सुधार करना होगा, हमें कंडीशन के हिसाब से गेंदबाजी करनी होगी। जरूरी यह है कि हम उस बात पर ध्यान दें कि विपक्षी गेंदबाज क्या कर रहे हैं। इसके बाद माही ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि नए कप्तान को लेकर उन्होंने ये बात कही कि एक और बात, हमारे गेंदबाजों को नो बॉल और एक्स्ट्रा वाइड नहीं फेंकनी चाहिए, या फिर उन्हें नए कप्तान के नेतृत्व में खेलने के लिए तैयार रहना होगा। ये मेरी उनको दूसरी वार्निंग है और इसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। चेन्नई सुपर किंग्स की पेस बैटरी की बात करें तो दोनों मैचों में जिस तरह की तेज गेंदबाजी हुई उसे देखकर MS धोनी का ये गुस्सा बिल्कुल जायज है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ CSK के गेंदबाजों ने कुल 18 रन एक्स्ट्रा दे डाले, जिसमें कि 2 लेग बाइज थी, 13 वाइड गेंदें उन्होंने फेंकी और 3 नो बॉल भी इसमें शामिल हैं। इससे पहले गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी जो पहला मैच हुआ था, उसमें भी चेन्नई के गेंदबाजों ने 12 एक्स्ट्रा रन दिए थे। इसमें 6 लेग बाइज थी, 4 वाइड उन्होंने फेंकी और 2 नो बॉल भी इसमें शामिल थी। यानी कि CSK के गेंदबाजों ने इन दोनों मैचों में कुल 30 अतिरिक्त रन लुटा दिए और इसी वजह से धोनी ने भी अपना जो टेंपर था वो लूज कर दिया। तो IPL अड्डा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने गेंदबाजों को जो नसीहत दी और उसके अलावा जो कप्तानी छोड़ने की चेतावनी दी है, उसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।